को नमस्ते जोहार जय धर्म। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और हम कुछ ठीक नहीं है, मेरा गला बैठ गया है थोड़ा सर्दी खांसी से, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो आज बहुत दिन के बाद फिर हम एक व्लॉग, तो आज हम सो के उठे तो हम थोड़ा ख्याल आया, कल दीदी पौधा ला दी थी कटिंग पौधा, तो हम सोचे उसको पौधा को लगाएंगे। तो चलिए मेरे व्लॉग पे बने रहिए, हम दिखाते हैं कि कटिंग वाला पौधा कौन कौन सा है और हम कैसे उसको लगाएंगे। देसी जुगाड़ खाद लेकर आए हैं और ये गमला में तो लगा हुआ है, सोच रहे इसी का निकालेंगे कुछ कुछ। इधर मिट्टी है तो खाद को मिट्टी मिला देते हैं पहले, तो देख सकते हैं वाला जड़ से उखाड़ा हुआ पौधा है और ये कटिंग वाला है, ये तोड़ा हुआ है, देख सकते हैं जड़ नहीं है। ये भी ये सब बिना जड़ वाला है, बस ये है जड़ वाला। इसी को हम सब में डब्बा डुब्बे मेरे पास बहुत सारा, इसमें हम लगाएंगे दस बजवा फूल। इसको हम लोग दस बजवा फूल से ही नाम से जानते हैं। आप लोग कौन सा, क्योंकि यह 10 बजे खिलता है ऐसे, आप लोग कौन सा नाम से जानते हैं कमेंट कीजिएगा। बोला तेल वाला था पहले, ऐसे आता था गुलसा सरसों तेल, इसमें रहता था, इसमें मेरा घर में था तो हम सोचे इसी में लगाते हैं। तो इसको हम ऊपर का काट दिए हैं और नीचे से इधर छेद कर दिए हैं यहाँ, और अंदर से हम खपरा लगा देते हैं या फिर कोई पत्थर उत्थर डाल सकते हैं, पानी अच्छा से निकल जाए। इसके बाद इसमें मिट्टी भर दे रहे और इसको हम लगाते हैं इसमें। डब्बा को थोड़ा सा धो लेते तो कितना सुंदर दिखता फूल। अरे पेंट करेंगे तो सब अच्छे। जैसे कि आप देख सकते हैं लड़की बहुत मेहनत कर रही है, हमको तो ये सब में शौक भी नहीं है। मेरे घर में पेड़ पौधे जितने भी लगा हुआ है ना, सारा हम ही लगाए हैं, क्योंकि ये लोग कुछ नहीं करते। इसको इधर रख देते हैं, यहाँ पे अच्छा लगेगा। बड़ा गमला मेरे मतलब बहुत शौक है पौधा उधर लगाने का। हम काटने में ना थोड़ा कंजूसी करते हैं, तो मत मांगिएगा बड़ा गमला भी। तोड़ के दे तो सकती है ना रे? हाँ तोड़ दे सकती हूँ। गमला खरीदने जाने वाली थी, कहीं नहीं गई तू? आलसी लगा, पैसा खर्चा हो जाएगा। सोचे घर में जो फालतू बेकार सामान है क्यों ना उसको यूज किया जाए, खत्म हो जाएगा उसके बाद। आसी का आ गई, चल खाली कर। और नहीं है ऐसे टाइम लगता वहाँ पे भराता है तो पानी आता तो मच्छर काट होते हैं। ये को क्या करेगी? ये को क्या करेगी? अलग रोकने के लिए कुछ और आधा अभी बाकी है तो पौधा नहीं था तो नहीं लगाता, तो अभी आप कुछ कुछ इसमें भी डाल देते हैं हम सोच के। और देखते हैं बारिश हो रही, थोड़ा हमको दिक्कत हो रहा, थोड़ा सा लगाएंगे उसके बाद हम पौधा नहीं लगाएंगे, बाकी सब कम करेंगे सोच के।
ये है हमारे घर के बर्तन। जी हाँ, जो टूटा हुआ है, टूटा पड़ा था, तो आप लोग के लिए एक अच्छा न्यूज है। यहाँ के घर में बर्तन टूटा रहना, तो उसमें क्या करना है, पौधे लगाना है। सुंदर पौधे ज्यादा खूबसूरत बने। लगाने के लिए फिर बारिश हुई उसके बाद, तो चलिए दिखाते हैं मेरा और भी पौधे सब है, तो कैसा लग रहा है बरसात के मौसम है। और एक लास्ट बचा हुआ था, और एक मेरे पास एक लास्ट पौधा बचा हुआ था, सोच रही इसको इसी में लगा देते हैं, सबको डाल देते हैं, इसी में बढ़ जाएगा तब हम यहाँ से निकाल देंगे। इसमें नीचे ये पत्ता है और ऊपर लंबा वाला पत्ता, मुझे लगता नहीं बड़ा बड़ा हो जाए, अजीब से लग रहा है। अल्लाह नहीं, इसी से थोड़ा काटे है तो अभी इसी से कटवाया है तुमको। गाइस मेरे पौधे अब लग चुके हैं और ये बाकी है, इसको तो हम लगा लेंगे। तो हम अपना ब्लॉग यही एंड करते हैं, तो उम्मीद करते हैं मेरा आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।